मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। एक बात खूब अच्छी तरह समझ लें, हकीमों में, सब में नहीं लेकिन बहुत सो में, एक बड़ा फ्रॉड ये चल पड़ा है मार्केट में। वो ये चल पड़ा है कि उन्होंने हिकमत को मजहब के साथ मिला दिया है। समझ रहे हैं? रूहानियत और मजहब के साथ। यानी बाज हकीम ये करते हैं कि वो पीर भी बने हुए हैं, वो पीर बने हुए, ये देहातों में ये चीज ज्यादा है, शहरों में जरा कम है। वो पीर बने हुए हैं और फिर उसमें कि ये तिब्बे नबवी है, ये हदीस में आता है, ये फलाना आता है, तो लोग कहते हैं यार इनके पास तिब के बारे में कुरान और सुन्नत का इल्म है, और कुरान और सुन्नत का इल्म गलत नहीं हो सकता। खूब समझ लो, हिकमत जो है ना, तिब ये मादी इल्म है, ये रूहानी इल्म नहीं है। इसका कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक, बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान और सुन्नत में इस बारे में चंद उसूल तो बयान किए गए हैं, लेकिन वो ऐसे उसूल है कि उनको डॉक्टर भी मानते हैं, उसमें हकीम में और डॉक्टर में कोई फर्क नहीं है। तो बाज हकीम भरम डालने के लिए, जैसे कलौंजी में शिफा है, बुखारी की हदीस है, अब शिफा तो है एक, ये मुजमल बात है, मुबहम बात है, इसकी हदीस में ज्यादा डिटेल नहीं है। अब जब हम इसकी डिटेल करेंगे तो वो कुरान और सुन्नत का लेबल नहीं लगाया जाएगा उसके ऊपर, वो आपकी अपनी तहकीक होगी। नहीं यारी बात, मेरा ख्याल है। देखो कुरान में आता है शहद शिफा है, बस ये मुबहम बात है, मुजमल बात है, इसकी डिटेल कुरान और सुन्नत ने बयान बोलते क्यों नहीं की है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप शहद के कैप्सूल बना के लोगों को खिलाना शुरू कर दें हर आदमी को, और हर बीमारी में आप कहें हदीस में आता है, कुरान में आता है शिफा है, लिहाजा तेरे गुर्दे की पथरी किससे निकलेगी, शहद से निकलेगी। आप शुगर के मरीज को शहद खिलाओ वो तो मर जाएगा, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका। हद से ज्यादा शहद खिलाओगे उल्टी हो जाएगी, बदहजमी हो जाएगी उसको, और 10 बीमारियां पैदा हो सकती हैं, वेट बढ़ेगा। कोई कहता है शहद से वेट नहीं बढ़ता, जो वो कार्ब है भाई, वो तो वेट, जब ज्यादा पियोगे वेट बढ़ेगा, मोशन लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो कुरान में आता है शिफा है, बस कुरान ने एक मैसेज दे दिया है कि शिफा है इसके अंदर, किसके लिए है, कितनी मिकदार में है, किस बीमारी में कैसे खाना है, इसकी कुरान और हदीस में कोई डिटेल नहीं मिलती। अब अगर कोई हकीम डॉक्टर कहेगा कि निहार मुंह खाने का ये फायदा, खाने के बाद खाने का ये फायदा, इस जो मजीद तहकीक होगी इस पे कुरान और सुन्नत का लेबल या तिब्बे नबवी के नाम से लेबल नहीं लगेगा। यह आपकी अपनी तहकीक है, सही भी हो सकती है और गलत भी। समझ में आ रही है बात? अब आप लोगों को जब दवा बना के शहद की बना के देंगे और कोई खाए और उसको फायदा हो जाए, तो आप ये नहीं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में फायदा हुआ है, आप बोले भाई मेरी तहकीक थी, फायदा हो गया, नुकसान भी हो सकता था, बॉसों को हो भी जाता है। सना मक्खी एक जड़ी बूटी है ना, उसका पाउडर बना के हदीस में आता है, इसमें भी शिफा है, तो उसमें भी एक खास नौइयत की शिफा है, लेकिन यह हदीस भी मुबहम है। बस उसमें कोरोना से शिफा है या नहीं हमें नहीं पता, और दुबले आदमी को भी शिफा मिलेगी, वो और गायब तो नहीं हो जाएगा कहीं, वो कि मोशन लगते हैं उससे, ये कुछ भी हदीस में तफसील नहीं है। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि अगर ये हदीसें अलल इतलाक होती कि कलौंजी का मतलब अब हर बंदा खा सकता है, हर बीमारी में खा सकता है, ये मतलब होता, तो फिर सहाबा कराम बीमारियों में सिर्फ कलौंजी ही खाते, उसके अलावा कुछ भी ना खाते। सहाबा भी इस हदीस का मतलब समझते थे। इसी तरह हिजामा भी है, हमें सही हदीस में मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि अपनी उम्मत को हिजामे की तरफ तवज्जो करें। फिर नबी से भी साबित है आप महीने में एक दफा दोनों कंधों के दरमियान में हिजामा करवाया करते थे। तो हिजामे में शिफा है, बस ये भी मुजमल बात है, मुबहम बात है, इसकी डिटेल हमें हदीस में नहीं मिलती। और हर कुल्लिये से, कायदे से कुछ लोग मुस्तस्ना होते हैं। समझ में आ रही है बात? देखो रोटी में ताकत है या नहीं है मुझे बताओ, गंदम में ताकत है ना? सारी दुनिया के हकीम डॉक्टर कहेंगे भाई गंदम में क्या है, ताकत है, तो क्या हर एक के लिए? बुखार का मरीज तो रोटी खाएगा तो
या अंडे में ताकत है। बुखार के मरीज को आम तौर पर तजर्बा है कि गंडा खाने से मजीद बीमार हो जाता है वो। बाज लोगों का मैदा गंदुम हजम ही नहीं कर पाता। तो आप कहेंगे भी जनरली एक उसूल है, लेकिन कोई भी दुनिया में उसूल 100% कामिल नहीं होता कि हर एक पर अप्लाई किया जा सके। तो कलौंजी में हर बीमारी से शिफा है, ये नबी ने बता दिया। किस तरह है, किस शख्स को खिलानी है, कितनी मकदार में खिलानी है, क्या चीज़ मिला के खिलानी है, ये तमाम चीज़ें तहकीक तलब है। तो जब इन चीज़ों पर तहकीक होगी तो उस तहकीक की नस्बत हदीस की तरफ नहीं की जाएगी, उस तहकीक की नस्बत उस शख्स की तरफ की जाएगी जिसकी अपनी तहकीक है। वो ये ना कहे कि मैं तिब्बे नबवी से इलाज करा रहा हूँ, वो ये कहे मैं अपनी तहकीक से इलाज करा रहा हूँ। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये भी एक मादी इल्म है। एक हकीम आए थे दो चार दिन पहले क्वेटा से, उन्होंने कहा कि यहां पूरे बलूचिस्तान में यही शुरू कर दिया है हकीमों ने, उस पर रूहानियत के लेबल लगाए हुए हैं और नबी का तिब, नबी की वो सुन्नत का वो लेबल लगा दिया उसके ऊपर। तो कहते हैं एक दिन मैंने, वो खुद भी हकीम है माशाल्लाह, उन्होंने कहा कि मैंने एक हकीम साहब से कहा कि हकीमों में तो यहूदी भी हैं, सही है ना? जो तिब्ब यूनानी था ना, आप माजी में जाएं, माजी में जाएं आप, तो आपको अपने उस्तादों में जो हकीमों के उस्ताद हैं उनमें यहूदी भी मिलेंगे, उनमें सिख भी मिलेंगे, उनमें ईसाई भी मिलेंगे, उनमें एथियस्ट भी मिलेंगे। ये तो एक देखो मेडिकल साइंस, एक तो ये जो तरक्की जो हुई है, एक मेडिकल साइंस है जड़ी बूटियों पर, तो है तो ये भी मेडिकल साइंस ना। तो इसलिए इसमें रूहानियत का ये खामखा में उसको कुरान और सुन्नत का लेबल लगा के आप लोगों को मजहब से दूर ना करें। बाज़ दफ़ा नुकसान होता है, लोग कहते हैं यार मैंने तो तिब्ब नबवी की और फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे नुकसान हो गया। तो जो जितना है उसको इतना ही बोलो, रहने दें, ठीक है ना? तो नबी साहबा ने भी इन हदीसों का ये मतलब नहीं समझा था, तो आज समझाया जा रहा है। और इनमें अक्सर हदीसें ज़ईफ़ और मनघड़त भी होती हैं। एक साहब हदीस बयान कर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को कहा कि अंजीर खाओ तो इससे घुटनों का दर्द खत्म होगा, ऐसी कोई हदीस नहीं है, समझते हो? एक ने कहा कि हदीस में आता है कि सुबह नहार मुंह शहद खाने से ये फायदा होता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। एक में आता है कि सुबह जौ का दलिया खाने से पेट ऐसे धुल जाता है कि जैसे मुँह साबुन से धोया हो किसी ने, ऐसा भी कुछ नहीं है, समझ रहे हो? तो ये अपनी मनगढ़ंत रिवायतें हैं। हाँ, इस्लाम ने कुछ बेसिक उसूल तिब के ज़रूर बयान किए हैं, बेसिक उसूल ज़रूर बयान किए हैं, और वो ऐसे उसूल हैं जो हकीम भी मानते हैं और डॉक्टर भी मानते हैं। वो उसूल बयान किए हैं, उस पर मेरा एक मुस्तकिल बयान हो चुका है इस्लाम और सेहत के उनवान से। वो उसूल में दो मिनट में जल्दी से बात को समेट के ख़त्म करता हूँ। वो उसूल में बुनियादी चीज़ ये है कि अल्लाह पैगम्बरों के लिए जिस गज़ा की सेलेक्शन करता है, जिस लाइफ स्टाइल की सिलेक्शन करता है, वो कभी भी नेचर के खिलाफ नहीं होती, वो कभी भी इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं हो सकती। तो ये हो नहीं सकता कि पैगंबर ऐसी चीज़ें खाएं जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो, समझते हो? पैगंबर का तर्ज ज़िंदगी ऐसा हो जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो नहीं सकता। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, जैसे आपने गंदम नहीं खाई, आपने जौ की रोटी खाई है, तो आज सारे मेडिकल साइंस भी कहती है, डॉक्टर भी कहते हैं भाई जौ से वजन नहीं बढ़ता, गंदम से धमाके के साथ लोग फट रहे हैं खा खा के, ठीक है ना? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें इस्तेमाल की हैं, खजूर बेहतरीन फल है, लेकिन इस तरह इस्तेमाल नहीं की कि सुबह दो पराठे खाने के बाद आप सात खजूरें खा लें, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब शदीद भूख लगा करती थी तो खजूरें ही खाना हुआ करती थी। आज जो खजूरें खाई जा रही हैं वो तो फायदे के बजाय नुकसान दे रही हैं। आप पहले पूरा खाना खाते हो, पूरी बिरयानी फोड़ी आपने, उसके बाद आप आठ दाने खजूर के भी खा रहे हो, नौ दाने के भी, ताक अदद में खाना सुन्नत है, ठीक है ना? तो ये नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी का दूध और बकरी का दूध ज्यादा पिया है, तो ये दोनों दूध सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुफीद हैं। गर्म किए बगैर पिया है, ताज़ा निकाल के पिया है, ताज़ा, तो आप तहकीक कर लें, ताज़ा दूध बॉयल्ड दूध से ज्यादा बेहतर है, भैंस से ज्यादा बकरी, बकरी से ज्यादा ऊंटनी, ऊंटनी के दूध में फैट बिल्कुल भी नहीं होता, है दूध मगर बिल्कुल भी मोटा नहीं करेगा आपको, वो फैट है ही नहीं उसमें, समझते हो कि नहीं समझते हो? लेकिन ताजा पिया है। आप लोग दूध पीना शुरू कर देते हैं कि भाई ऊंटनी का दूध सुन्नत है, तो उनका भी लोगों का ये स्टाइल होता है, रात को खाने में पूरा पिज्जा फोड़ने के बाद ऊंटनी का दूध पी रहे हैं कि जी सुन्नत है, ये वाला तरीका, इससे
दूध के कोई खांचा ही नहीं है, जाएगा कहाँ वो? सारे खांचे तो आपने भर लिए। तो नबी ने जो दूध पिया है ना, वो भी खाने की जगह पिया है। शदीद भूख लगी है, शदीद भूख, भूख से निढाल है। दूध का प्याला आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीना शुरू किया। ऐसे में दूध का मजा भी आता है और दूध आपकी बॉडी को ठा करके लगता है जाके, समझते हो? कभी तजर्बा करके देखो, दूध से पेट भरो। सहाबा कहते हैं नबी ने हमें दिया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला उनका मशहूर दिलचस्प वाकया है ना, कि दूध शदीद भूखे भूख लग रही थी सब सहाबा को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध डिवाइड करना शुरू किया। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मुझे लगा सबसे आखिर में मेरा नंबर आएगा, तो मेरे लिए तो बचेगा ही नहीं। तो कह रहे इतना पिया आपने, फरमाया और पियो और पियो, यहां तक के सैराब हो गए। तो ये क्या है, इंतहाई शदीद भूख की हालत में दूध पिया जा रहा है। तो खाना कम करेंगे ना तो फिर ये सब चीजें आपको फायदा। अनार के हदीस में आता है हर अनार में एक दाना जन्नत का आया है, तो तरगीब दी जा रही है कि पूरा अनार खाओ। तो इसमें तो दो राय नहीं है कि इस्लाम ने आपको जो खुराकें बताई हैं, कुरान में जिन खुराकों का तज़किरा है, जिस तरह से खाने का इस्लाम आपको हुक्म दे रहा है, उससे बेहतर कोई जरिया सेहत बनाने का हो नहीं सकता। लेकिन ये इस्लाम का असल टॉपिक नहीं है, समझते हो? और ये सब चीजें तो तय शुदा हैं, इनमें दो राय हो नहीं सकती।